So the next thing which we have to do is to know about locus of a point. So this is a very important topic. And you will keep on seeing questions on locus, not only in a straight line, but circle, parabola, hyperbola, ellipse, everywhere. So if you talk about locus of a point, then it is basically path of a point which it follows under a given condition. So if there is a point, suppose it is whose path we have to find out, so that point P is H comma K. First of all, the locus of the point which we have to find, we assume that point as H comma K. Second, we write all conditions mathematically, which is given in the question. So we will write all the conditions mathematically. There we may have to use parameter also. So third step is to eliminate parameters if there are any. There can be no parameter, then there can be one parameter, there can be more than one parameter. So we can eliminate parameters. And lastly, replace H comma K by X comma Y. So that will be the final answer. For example, agar abhi hum simple sa example lein ki locus of a point whose distance from a fixed point is always constant. So एक ऐसा पॉइंट का हमें लोकस निकालना है जिसका एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट इज सपोज गिवन अल्फा कॉमा बीटा, से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, एज सपोज दैट कांस्टेंट इज गिवन एज ए. तो एक चीज तो कॉमन सेंस ये समझ में आ रही है कि ऐसा जो फिगर होगा वो, बिकॉज एक सर्कल में कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो हमेशा कांस्टेंट होता है. तो अगर हम सेंटर को फिक्स पॉइंट मान लें अल्फा कॉमा बीटा और जो रेडियस है उसको ए मान लें, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें इस पी पॉइंट का जो पाथ मिलेगा दैट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट. तो इस पी पॉइंट को हम एच कॉमा के मान के स्टार्ट कर सकते हैं, एच कॉमा के मान के स्टार्ट कर सकते हैं. तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा दैट इज इक्वल टू a. डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में भी किया था, टेंथ में भी किया है. तो एच के का अल्फा बीटा से जो डिस्टेंस है वो a है. इसका मतलब है कि h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई पैरामीटर है नहीं, यहाँ पर अल्फा बीटा इज अ फिक्स पॉइंट एंड ए इज द फिक्स डिस्टेंस विच इज कॉल्ड द रेडियस. तो यहाँ पे कोई पैरामीटर तो है नहीं, तो हम बिना किसी चीज को एलिमिनेट किए एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे. तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लोकस ऑफ दिस पॉइंट. जो पॉइंट पी है वो इस पाथ को फॉलो करेगा. लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या हो गया, पाथ ऑफ अ पॉइंट which it follows under a given condition. Is this clear? So are these the steps like point P, HK, we all write conditions mathematically. So are these the steps to calculate the path of the point? These are the steps to find locus. Okay. Yeah, hello. Yes, sir. Okay. So if I give you some other question, like I will give you a question where parameter may also be used. So I'm giving you a question. First you try it, then I will discuss it. A straight line segment of length P
One second, let me receive this call. Sorry, a call came, so I will receive it. A straight line segment of length P moves with its ends on two mutually perpendicular lines. Find the locus of the point which divides the line in the ratio one is to two. Okay, just try this question, give it some time, then we will discuss it now. Okay.
कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे अप्रोच करना है, और फिर एक क्वेश्चन और दूंगा उसमें एक्सपेक्ट करूँगा कि डूइंग इट ऑन योर ओन, क्योंकि एक क्वेश्चन करा के फिर अगर एक क्वेश्चन दूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर दो क्वेश्चन करा के एक क्वेश्चन दूँ तो रिलेटिवली होगा। सो इफ यू टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ पी मूव्स विद इट्स एंड ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, सो दोज टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस कैन बी टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की तरह बिहेव करते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ तो फिक्स है लेकिन वो इसके अलोंग मूव कर रहा है, मतलब ये लेंथ जो है ये पी है और ये इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ पर एक पॉइंट है सी जिसका लोकस हमें निकालना है, तो सबसे पहले उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे एच कॉमा के, पहला स्टेप यही है कि उसको हम एच कॉमा के मानेंगे। ये जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, तो अलॉन्ग वाई सपोज कर लेते हैं कि 2 है और अलॉन्ग एक्स 1 है, तो सी जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वेयर एज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज पी, जो ए बी की लेंथ है दैट इज इक्वल टू पी। तो ए बी की जो लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट है वो फिक्स है, दैट इज पी, और ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 1:2। अगर हम ऐसा करते हैं तो C का जो एच के है उसका हमें इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ P एंड हाफ जो दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुआ, P भी दिया हुआ है, तो तुम इसको ऐसे करना, मैं पहले हिंट दे देता हूँ फिर तुम अपने से ट्राई करो, फिर तुम इसको ऐसे करना कि A को मान लो कि दिस इज अल्फा कॉमा 0, तो अल्फा क्या है, पैरामीटर है, बी को मान लो 0, बीटा, तो ये बीटा जो है ये भी पैरामीटर है, अल्फा भी पैरामीटर है बीटा भी पैरामीटर है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले कंडीशंस हैं, यस, सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हमें लिखनी होंगी मैथमेटिकली कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को 1:2 अगर डिवाइड कर रहा है तो उससे क्या कंडीशन आती है, फिर हमें अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना होगा, फिर उसके बाद जो इक्वेशन आएगी एच के में उसमें एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुट करना होगा। इज दिस क्लियर टिल हियर? थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करो। हेलो देवांश, कुछ बोल रहे हो? जैसे ये लास्ट वाला मतलब ए बी इक्वल्स टू पी, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी आवाज अचानक से कम हो जाती है, एक बार जोर से तुम कुछ बोल रहे हो फिर कम हो जाती है। सर ये दोबारा से रिपीट कर दीजिए, वो समझ में नहीं आया था मुझे। अच्छा समझ में नहीं आया, तो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ पी है,
ये जो लेंथ है ना इस लाइन से, दिस इज पी फिक्स, ये चेंज नहीं हो रही। सो ये जो सी है ये ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, ए सी बाई बी सी इज 1/2। तो अब ये जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम अल्फा कॉमा जीरो ले रहे हैं, जहां पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको 0, बीटा ले रहा है। तो ये जो सी है ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में अगर डिवाइड करता है तो उससे सेक्शन फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में किया होगा इफ यू रिमेम्बर, तो यूज सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद अपने आप तुम्हें स्टेप्स पता ही है कि कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करना। इज दिस क्लियर देवांश? यस सर। सर वो पॉइंट्स आपका बीटा एंड जीरो है, 0, बीटा है क्योंकि वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे जो है वो अल्फा कॉमा जीरो है बिकॉज़ वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है? यस सर। यूज सेक्शन फॉर्मूला और मुझे बताओ कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या आ रहा है, फिर मैं आगे का बताता हूँ।
सर आंसर भेज दिए. ओके एच इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 3, के इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा बाई 3. एक बार देख लेते हैं इज दिस आंसर करेक्ट और नॉट. आई होप बाकी लोगों ने भी अप्रोच किया होगा क्वेश्चन को. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो जो एच है दैट विल बी 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 0 बाई 2 प्लस 1. तो दिस वुड बिकम 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 3, सॉरी 2 अल्फा प्लस 0 अपॉन 3. तो 2 अल्फा प्लस 0 अपॉन. तो क्या ये सही बताया है देवांश ने, 2 अल्फा बाई 3 एच है. ठीक है अब हम बीटा पे आते हैं. तो जब बीटा की बात करेंगे, के की बात करेंगे, सो के इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 प्लस 1. इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बीटा बाई 3. तो ये तुम्हारा थोड़ा सा दूसरा वाला गड़बड़ लग रहा है, माइनस 2 बीटा बाई 3 गड़बड़ लग रहा है. सो दिस इज बीटा बाई 3. तो अब ये जो आया है इससे हम फर्दर ये लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 3h बाई 2, राइट. और इससे हम ये लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3k. ये हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा को एच के टर्म में लिख सकते हैं और बीटा को के टर्म में लिख सकते हैं. अब हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज एक्चुअली पी स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी है वो पी है, तो पी का स्क्वायर है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है पी का स्क्वायर होगा बाय सिंपल पाइथागोरस थ्योरम और द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब अल्फा तुम्हें मिल गया है, अल्फा इज 3h बाई 2, तो ये हो जाएगा 9h स्क्वायर बाई 4 एंड बीटा इज 3k, सो दिस विल बिकम 9k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फा और बीटा ये जो दोनों पैरामीटर्स थे जो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे, हमने अपने से माने थे, उनको यहाँ पर मैंने एलिमिनेट कर दिया. तो अब फाइनली मैं h को x और k को y अगर पुट करूं तो 9x स्क्वायर बाई 4 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा. दिस विल बी द आंसर. इज इट ओके? तो आपने लास्ट वाला मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब आप इसमें पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फार्मूला जो भी कह लो, दोनों तो यहाँ पर तो एक ही चीज है ना. मतलब इसका इससे जो डिस्टेंस फार्मूला से फॉर्म जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो ये फाइनली यही लिखा हुआ है यहाँ. Okay, sir. Is it clear to others also? Ayushi and Ashish? Yes, sir. Yes, sir. This down.
Done, sir. Okay. एक क्वेश्चन और लोकस का कर लें, फिर आगे मूव करते हैं, क्योंकि लोकस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। वैसे लोकस के क्वेश्चंस तो तुम्हें थ्रू आउट मिलते रहेंगे जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, लेकिन शुरू के कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस हो जाते हैं अच्छे से तो आगे हेल्पफुल होता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें ऐसा दूं, P plus 1 by T, comma P minus 1 by T is a variable point find its locus। कैसे करोगे थोड़ा सोचो, फिर मैं हिंट भी दूंगा, उसके बाद फिर थोड़ा देर करने के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद तुम ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर कंडीशंस को मैथमेटिकली लिखने का मतलब? मतलब ये है कि जो कुछ भी दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली लिखना है। अब ये जो पॉइंट P है, इट इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो इसका मतलब जो T है वो वेरिएबल है, T को एलिमिनेट करना है। सुपर एक ट्राई करो, कल ट्राई करो, मैं तुरंत बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ओके सर। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे फिर? सर मतलब इसके T को अगर एलिमिनेट करना है तो मतलब किसी से तो इक्वेट करना ही पड़ेगा उसको। हाँ करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अभी मैंने बताया था चार स्टेप, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सो कंडीशंस को मैथमेटिकली करना। नहीं नहीं उससे पहले सर पॉइंट पी एच कॉमा के, पहले पॉइंट पी जिसका लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मानो। ओके सर। अच्छा सर समझ गया समझ गया।
या सेमी प्रोग्रेस या भी कर रहे हो या मैं बताऊं? सर बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम क्या ज्यूम करते हैं? एच कॉमा के। तो यहाँ पे पी पॉइंट का निकालना है तो पी पॉइंट को हम क्या ज्यूम करेंगे? एच कॉमा के। तो एच इज एक्चुअली पी प्लस वन बाई टी एंड के इज एक्चुअली पी माइनस वन बाई टी, यही दिया हुआ है। अब t जो है एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर, इट इज नॉट अ फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये वेरिएबल पॉइंट है इसलिए t भी एक वेरिएबल है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम t को एलिमिनेट करेंगे और h और k में एक रिलेशन निकालेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो उसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर t को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करोगे तो t रहेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन बाई टी रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पे भी टी रहेगा, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस वन। तो मैं बताता हूँ इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं ये कि एच स्क्वायर कर दे इधर और इधर टी प्लस वन भी टी का होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स टी इंटू वन बाई टी, तो टी टी कैंसिल होता है। यहाँ पर भी अगर स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू वन बाई टी, तो माइनस टू रहेगा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं वन माइनस टू तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस टू विल बी फोर। ये हो गया कि हमने पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया और जो इक्वेशन आई है वो एच के में आई है। नाउ वी कैन रिप्लेस एच बाई एक्स एंड के बाई वाई, इज दिस ओके? यस सर। ओके, सो जस्ट राइट दिस डाउन। कोई कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब सबको क्लियर है? Now let us come to the next topic, that is translation of axis. तो इसको मैं erase कर दूँ क्या? Yes sir, मैं तो अभी नहीं करूँ। सर बस बचे थोड़ा सा। अच्छा ठीक। ओके, सो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से पहले कुछ करना चाह रहा हूँ। एक ये कि किसी भी लाइन का जब हम स्लोप मेजर करते हैं, दिस इज अ लाइन और ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये क्या एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस भी यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो स्लोप कहलाता है एम वो होता है एक्चुअली टैन थीटा। And theta is always taken from positive x-axis in anti-clockwise direction. तो हम जो tan theta लेंगे वो एक positive x-axis से लेंगे in anti-clockwise direction. मान लो अगर line जो है वो इस तरह की है तो फिर हम theta इसको लेंगे, तो theta here is obtuse angle. तो slope की value यहाँ पर क्या होगी, negative होगी, क्योंकि theta is obtuse angle और यहाँ पर theta acute angle है, तो इसकी जो value होगी वो positive होगी। So this is m tan theta which is positive in this figure and here m tan theta is negative and theta will always be between 0 to 180 degree. So 0 to pi where pi will be excluded. So 0 से pi के बीच में हमेशा angle होता है, इसलिए slope भी जो है वो कभी positive होता है कभी negative होता है. Now if we
if we want to actually say find the angle between two lines, and those two lines are actually suppose like this, and we have to find the angle between these two lines. Suppose this angle is given as theta, and where slope is m1 of this line and m2 of this line. So how can we find the angle between these two lines? So उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एंगल जो है दोनों लाइन का एंगल कुछ तो होगा. इस एंगल का लाइन मान लो कुछ होगा यहाँ पर, इस एंगल का, इस लाइन का भी एंगल होगा. तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. तो वट वी कैन से दैट फ्रॉम दिस फिगर, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये थीटा है और ये लाइन है, ये बीटा है और ये अल्फा है. तो इसके जो अपोजिट में ये एंगल है, ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा. इससे हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड टैन ले लेंगे. तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, विच इज एक्चुअली बाई फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टैन बीटा माइनस टैन अल्फा अपॉन वन प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा. तो बेसिकली अगर हम ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट इसमें टैन थीटा को हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, टैन थीटा इज इक्वल टू. Now what is tan beta? Tan beta is actually the slope of that line, which is m2. And what is tan alpha? That is the slope of another line, that is m1, upon 1 plus m1 m2. Generally हम acute angle consider करते हैं, क्योंकि दोनों line के बीच में बस theta ही नहीं होगा, एक और angle होगा, which will be this angle, this is 180 degree minus theta. तो अगर theta acute angle हुआ, तो 180 degree minus theta will be the obtuse angle. तो हम जनरली एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक मॉड लगा देंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज थीटा इज द एक्यूट एंगल. जो दूसरा वाला होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ले लेंगे. इसलिए एक लास्ट में एक मॉड यहाँ पे लगा देंगे. इसलिए कई जगह एम वन माइनस एम टू भी लिखा रहता है, कई जगह एम टू माइनस एम वन भी लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड लगाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी फाइंड दिस फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले से हमें कुछ चीज में हेल्प मिलती है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में हेल्प मिलती है. जैसे मान लो अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ सपोज देयर आर टू लाइंस एंड दीस टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का स्लोप सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि जो थीटा एंगल आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा. और उसी तरीके से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उससे जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा, एंड टैन ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. अब ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर जीरो होगा. मतलब ये कि m1 into m2 is equal to minus 1 होगा. Is it okay? So, हाँ. Sir, is कि आपने बोला कि m1 equals to m2 का line parallel है, तो अगर ये formula put करेंगे फिर तो मतलब वो not defined आ जाएगा ना? नहीं, zero आएगा ना. Not defined तो नीचे वाले में आएगा, perpendicular वाले में. की value. हाँ, tan theta की value zero है तो theta भी zero है. और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई यहाँ पर, तो टैन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. ओके सर. अदर्स इट इज क्लियर टू एवरीवन? Please note this down step by step and clearly understanding each step.
So if I give you a question based on this, suppose this question I'm giving you. पहले इसको नोट कर लो कि समवन हैज आस्क्ड समथिंग. ओके आशीष, पहले इसको नोट कर लो. हो गया, लिख लिया सबने? अभी नहीं लिखा है? डन सो. ओके सो द क्वेश्चन हियर सेज फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस with slopes 1/5 and 3/2. Try this question. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं अगर चेंज कर दूं अपनी तरफ से कि फाइंड द एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. ट्राई कर लो.
हो जाएगा तो बता देना। ओके सर। सर इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक एंगल ही आएगा, वरना मेरा आंसर तो अलग आएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एंगल जो नोन हो वही आए। टैन इनवर्स के टर्म में भी तुम आंसर लिख सकते हो। यस सर। सर मेरा टैन इनवर्स 1/3 आ रहा है। टैन इनवर्स 1/3 आ रहा है। ओके, सो दैट विल बी द एक्यूट एंगल 30। तो टैन थीटा को जब हम कैलकुलेट करेंगे m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 into m2 और आगे मॉड लगा देंगे because we are interested in positive value for acute angle. इसको कैलकुलेट जब करोगे तो 2 minus 15 upon 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 10 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 13 का मॉड विच इज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई विच इज 1। तो थीटा क्या हो गया फिर तो एंगल पता चल सकता है ना 45 डिग्री। अगर कुछ ऐसा आता जैसे 1/3 या कुछ तो टैन इनवर्स 1/3 लिखोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल देन यू विल से इट इज 135 डिग्री 180 माइनस 45। वन मिनट
Now we are talking about different forms of line. So first form is slope point form, right? The slope point form of a line, agar hum likhna hai, so it is given that the line has some slope. The slope is given as m, and there is a point on the line which is x1 comma y1. It is also given to us. Now we take a point x comma y on this line and try to find the equation of the line. So how do we find that? We can put a perpendicular from here on the x-axis, from here also on the x-axis, from here on this line. So the length of this portion is actually y minus y1. And the length of this portion is actually x minus x1. Yahan tak samajh mein aa raha hai? ऑर्डिनेट्स का आइडिया है सबको? हाँ बोलो। दो पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई कैसे होंगे, मतलब सेम? ये वेरिएबल पॉइंट है पी विच इज ऑन एनीवेयर ऑन द लाइन एंड दिस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ लाइन, ठीक है? यस सर। ओके, अब अगर हम कोई एंगल कंसिडर करते हैं विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा होंगे, तो स्लोप इज एक्चुअली टैन थीटा होता है, और टैन थीटा बाय दिस फिगर इन दिस ट्राइंगल ए पी एम वी कैन से दैट टैन थीटा इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन is equal to y minus y1. So y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m into x minus x1 plus y1. We can also write like this or like this. So this is a way, इसको ऐसे भी हम याद रखते हैं कि y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is the most general form which we see in various books. So this is how we get the form of the line, slope point form of the line. Please write this down. Done, sir. Okay. Next form which we have to see is point in slope intercept form. Slope intercept form is something like this, that there is a line which is intersecting the y-axis at 0, c.
this is the intercept. This can be positive also, this can be negative also, depending that the point is above the x-axis or below the x-axis. And its slope m is also given. So in that situation, if you want to write the equation of this line, we have just derived the point slope from y minus y1 is equal to m into x minus x1. So using that, if we take x1, y1 as 0 comma c, so this will become y minus c, m x minus 0. So this will become y is equal to mx plus c. So this is a very renowned formula, which is slope intercept form. And more specifically, if you say, then it is actually slope y intercept form. क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट दिया होता है एज c. इज दिस ओके? यस सर. तो ये y इंटरसेप्ट स्लोप है. हाँ, y इंटरसेप्ट स्लोप. Done, sir. Third form is intercept form. Intercept form से तुम ये भी कर सकते हो, उससे पहले two point form. So two point form is basically कि एक लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है x1 comma y1 और एक है x2 comma y2, और तुम्हें इससे इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की. तो जो वेरिएबल पॉइंट है वो कुछ भी अगर तुम ले सकते हो, x कॉमा वाई. तो एक चीज तो इतनी अभी तक समझ में आ गई है कि अगर हमें दो पॉइंट दिया रहता है किसी भी लाइन पे, तो उससे उसका स्लोप निकाला जा सकता है. और स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ऐसे हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. जैसे हमने सबसे पहला जो फॉर्म किया था उसमें यही चीज यूज की. तो अगर हम इस लाइन का स्लोप इन दोनों गिवन पॉइंट्स के हेल्प से निकाल लेते हैं m, तो इस लाइन का, उसी लाइन का स्लोप अगर हम इस वेरिएबल पॉइंट p और a से निकालते हैं, तो क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. अब दोनों को इक्वेट अगर कर देते हैं तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम फाइनली इस फॉर्म में जनरली याद रखते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. दिस विल बी द स्लोप एक्चुअली इनटू x माइनस x1, एंड वी कॉल दिस एज टू पॉइंट फॉर्म. इज दिस क्लियर? यस सर.
हो जाएगा, लिख लोगे तो बता देना। ओके सर। डन सो। ओके नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ द लाइन व्हिच इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन? इफ देयर इज अ लाइन व्हिच इज making an intercept a comma 0 on the x axis and 0 comma b on the y axis and you have to find the equation of this line. So ab main ye wala tumhare upar try karne ke liye chhod raha hu, thoda sa 2 3 minute try karo, dekho kya aata hai intercept form. Ek mein se call aa rahi hai to main receive kar leta hu, meanwhile you can try.
Yes, any response from anyone? अगर हम कोई भी पॉइंट x, y वेरिएबल पॉइंट लेते हैं और ये दोनों फिक्स पॉइंट ले रहे हैं a और b, तो ये टू पॉइंट फॉर्म की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. तो व्हाट वाज टू पॉइंट फॉर्म कि y माइनस y1 जो भी हमने किया था ना इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1. So this will be x minus x. हमने किया था और जब हमने ये किया था तो उसमें हम अगर x1 y1 को 0, b ले लें और x2 y2 को a, 0 ले लें तो ये क्या हो जाएगा y minus b is equal to 0 माइनस बी अपॉन 0 हाँ ए माइनस 0. हम क्या कर रहे हैं इसको ले ले रहे हैं x2 कॉमा वाई टू और इसको ले ले रहे हैं x1 कॉमा वाई वन. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी फॉर्मूले में बस हमें सब्सिट्यूट अगर करना हो तो y माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी बाई ए माइनस 0 इंटू x माइनस 0 हो जाएगा. Which can be written as y minus b is equal to minus b upon a into x हो जाएगा. अब अगर हम cross multiply करें और सबको एक तरफ ले जाएं तो ay plus bx minus ab will be equal to 0. जिससे हम लिख सकते हैं ay plus bx equal to ab. और अब अगर हम ab से divide कर दें तो x के नीचे a रहेगा और y के नीचे b रहेगा और ए बी बाई ए बी विल बी इक्वल टू 1. सो दिस विल बी योर इंटरसेप्ट. स्टेप्स को एक बार ध्यान से देख के नोट करना. कैलकुलेशन सबको क्लियर है ना इसकी? सर आपने 0 कॉमा बी को ए पॉइंट मान रखा है. हाँ 0 कॉमा बी को ए पॉइंट मान लिया और ए कॉमा 0 को बी पॉइंट मान लिया. Everyone written this? Just a minute, sir. Second line में y minus b के बाद आपने 0 minus b upon a minus 0. A minus 0. This is a minus 0. बस यहाँ पे तुम्हें सब्सिट्यूट करना है ना ये जो पिछला फॉर्म तुमने अभी देखा था उस फॉर्म में बस x1 y1 की जगह 0 भी और x2 y2 की जगह a 0 करना अपने आप निकलता चला आएगा.
So we are concluding today's class now. Next class, we will again do something in straight lines. लिख लिया सबने? Yes, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.